लोगों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आशा और विश्वास का बीज भी रोपित करने का काम आपका परिश्रम और आपका संकल्प करता है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देश भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और उनकी रणनीति और उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, महाजनो येन गथा स पंथा, यानी कि जिस मार्ग पर विद्वान लोग चलें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हम भी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प वही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना, बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में वहां के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया और वो धीरे धीरे केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया का मॉडल बन गया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर दो वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहाँ पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। करीब 1.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा राज्य लगभग 7 करोड़ लोगों का प्रबंध करता है। इसके बावजूद हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो उच्च कोटि की है। भाइयों बहनों, जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार एक निवेशक को अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर, अच्छी कानून व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियाँ और बेहतर कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, साथ में सबसे महत्वपूर्ण अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आबोहवा भी है। और हमारा राज्य आपके इन्वेस्टमेंट के सारे मापदंडों को पूरा करता है। उत्तराखंड में लैंड बैंक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सशक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए एक अनुकूल माहौल का निर्माण करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गुजरात में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर हम शीघ्र में हमने ये संकल्प लिया है कि शीघ्र ही हम जो है उत्तराखंड के अंदर भी एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेंगे। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि हमने विभिन्न सेक्टर्स में निवेश मित्र की नियुक्ति की है, जो 5 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी निवेश करने वाले उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।